हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे एक क्वेश्चन आपकी हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा आपसे। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसे बीच स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट दिया हुआ है आपको नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे नीति का फुल फॉर्म होता है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले योजना आयोग था, ये नीति आयोग 2015 से नीति आयोग नाम रख दिया गया इसका। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राजीव कुमार है। अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार जी है। और नीति आयोग जब 2015 में गठित हुआ था तो उस समय जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपके अरविंद पनगड़िया जी थे। ये आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखना ये सब बातें। अगले पे चलते हैं, आपको दिया हुआ सेबी, SEBI। सेबी का आपका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना है फुल फॉर्म सेबी का। सेबी की स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो मुंबई शहर में स्थित है, सेबी का मुख्यालय। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो अजय त्यागी जी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजय त्यागी जी। ठीक है, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं। दिया हुआ है आपको IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी IRDAI की। और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो हैदराबाद शहर में स्थित है। और IRDAI के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र खुंटिया जी इसके वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष है, तो ध्यान रखना। अगला दिया हुआ है आपको ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म होता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, हिंदी में फुल फॉर्म होता है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जो ट्राई है इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ट्राई का जो मुख्यालय है वर्तमान में वो नई दिल्ली में स्थित है। और जो ट्राई के अध्यक्ष है वर्तमान में वो राम सेवक शर्मा जी इसके वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है, तो ध्यान रखना ये जो ट्राई है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है आपसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको दिया हुआ है नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को।
इसकी स्थापना भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1982। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है नाबार्ड के, वो श्री जी आर चिंतला जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जो 27 मई 2020 से चुनी गई है। 27 मई 2020 से ये नाबार्ड की अध्यक्ष है। तो ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन भी है, करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको दिया हुआ है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। सिडबी की स्थापना हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है सिडबी का, वो लखनऊ शहर में है। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और सिडबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है NSE। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी में बोलते हैं इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो मुंबई शहर में स्थित है। और NSE के जो अध्यक्ष है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। अगले एक स्लाइड में चलते हैं। आपको दिया हुआ है BSE। BSE का फुल फॉर्म होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुना होगा आपने नाम NSE और BSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो BSE का फुल फॉर्म होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हिंदी में भी इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1875 में और इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके वर्तमान में MD और CEO है वो आशीष कुमार चौहान जी, इसके वर्तमान में MD और CEO है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। आपको दिया हुआ है अगला NHB। NHB का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है। NHB का फुल फॉर्म याद रखना आप, नेशनल हाउसिंग बैंक होता है इसका, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 9 जुलाई 1988 को, ध्यान रखना NHB की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और NHB के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो श्री RV वर्मा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नेशनल हाउसिंग बैंक के, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। दिया हुआ है आपको एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक होता है एक्सिम बैंक का, हिंदी में भी इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है और एक्सिम बैंक के जो अध्यक्ष है वो डॉटो फेजियल मुस्तफ़ा जी है, ठीक है दोस्तों, डाटो फेजल मुस्तफ़ा जी इसके वर्तमान में एक्सिम बैंक के अध्यक्ष है ये, तो ध्यान रखना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है और LIC के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो MR कुमार है, ठीक है ध्यान रखना। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष MR कुमार है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है और LIC का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। अगली स्लाइड पर चलते हैं। दिया हुआ है आपको इसरो। इसरो के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हिंदी में इसे बोला जाता है। इसकी स्थापना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सन ध्यान रखना 1969 आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है ये। और इसका मुख्यालय बेंगलोर शहर में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान वो के सिवान जी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और संस्थापक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के संस्थापक है, इन्होंने ही इसरो की स्थापना की थी, तो इन्हें विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है। तो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसे। तो
ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है BSRC यानी कि बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में भी इसे बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954 में, 3 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कमलेश नीलकंठ व्यास जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, और जो संस्थापक है बार्क के वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बार्क के आपके संस्थापक आपको ध्यान रखना है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में बोलते हैं इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है, और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं आपके जी सतीश रेड्डी जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में बोलते हैं इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, उसके अध्यक्ष आपके जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है। अगला दिया हुआ आपका UIDAI, इसका फुल फॉर्म होता है आपका द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म है इसका द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपके 28 जनवरी 2009 को, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली शहर में स्थित है। वर्तमान में UIDAI के जो अध्यक्ष है वो पंकज कुमार है, यानी कि वर्तमान में UIDAI के जो CEO है वो पंकज कुमार जी है, ठीक है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछा जाता है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला दिया हुआ है आपको BCCI। BCCI का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भी मैच होते हैं उन्हें BCCI ही रेगुलेट करता है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। BCCI का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1928 में। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली जी है, और जो सचिव है वो जय शाह है, ठीक है। BCCI के बारे में पूछा जाता है, आपके अध्यक्ष है सौरव गांगुली जी और सचिव है जय शाह। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में हुई थी, ध्यान रखना है बातें। अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको दिया हुआ है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की का फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। वर्तमान में फिक्की के जो अध्यक्ष है वो संगीता रेड्डी जी है, और फिक्की के जो संस्थापक है वो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर जी, ये दोनों ने मिलकर फिक्की की स्थापना की थी, ध्यान रखना। ये एग्जाम में आपसे फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एक बार आप ध्यान रखना इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका फुल फॉर्म होता है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है संगीता रेड्डी जी, ठीक है। अगला दिया हुआ है आपको SOCHM। SOCHM का जो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ध्यान रखना। ये SOCHM का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1921 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। वर्तमान में जो SOCHM के अध्यक्ष है वो निरंजन हीरा नंदानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आपको SOCHM के जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। वर्तमान में एसोचैम के जो अध्यक्ष है वो निरंजन हीरानंदानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो गाइस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी, और ये जो वीडियो है ये आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, आपको इनके बारे में बताया गया होगा, इनकी स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और फुल फॉर्म के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही गया होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। इसमें आपको स्टैटिक जीके और जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी के, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।